नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बुलेटिन की। बस्ती में एनएच 28 खजौला के पास सड़क हादसे में मुख्यमंत्री के ओएसडी मोतीलाल सिंह की मौत हो गई। हादसा स्कॉर्पियो गाड़ी के पेड़ से टकराने की वजह से हुआ। हादसे में मोतीलाल सिंह की पत्नी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। ओएसडी की पत्नी को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। अगली खबर संभल से। संभल के मदारा में दहेज के लिए एक विवाहिता को जिंदा जला दिया गया। दहेज लोभियों ने विवाहिता को केरोसिन छिड़क कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी ससुराल वाले फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंचे मायके पक्ष के लोग ने आरोप लगाया कि दहेज में अपाचे बाइक की मांग पूरी नहीं होने के कारण विवाहिता के ससुराल वाले नाराज थे। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फरुखाबाद के बहादुरगंज में संदिग्ध परिस्थिति में शिक्षक ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिक्षक और मासूम बेटियों की हत्या से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और अब इसकी आगे की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक पहले दो मासूम बेटियों को टॉफी में जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया, फिर पंखे से फांसी लगाकर खुद की जान ले ली। युवक बाबू सिंह के डिग्री कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात था। कुछ समय पहले ही मृतक की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह डिप्रेशन में चला गया था। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क एमजी रोड पर इन दिनों भिखारियों का कब्जा है। बड़ी संख्या में बच्चे भीख मांग रहे हैं। इसके लिए उनको बकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है और पॉइंट बांटे जाते हैं। महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगती हैं। यह खुलासा चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट एवं महफूज संस्था के समन्वयक नरेश पारस की सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। उन्होंने यह रिपोर्ट पुलिस और प्रशासन को सौंपी है। फोटो खींचने पर बच्चे तथा महिलाएं अपना चेहरा छुपा लेते हैं या फिर भाग जाते हैं। कुछ शारीरिक विकलांगता का नाटक करते हैं। महफूज द्वारा 20 से 22 अगस्त 2022 को किए गए एमजी रोड के 3 दिवसीय सर्वे में 64 बच्चे भीख मांगते पाए गए हैं। नरेश पारस के सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 76A के तहत भीख मंगवाना अपराध है। यदि कोई भीख मंगवाने के लिए बच्चों को नियोजित करता है या फिर किसी बच्चे से भीख मंगवाने पर 5 साल की कैद और 1,00,000 रुपया दंड का प्रावधान है। एमजी रोड पर बच्चे लगातार भीख मांग रहे हैं। इसको लेकर हमने एक सर्वे किया भगवान टाकी से लेकर प्रतापपुरा चौराहे तक, तो 64 बच्चे ऐसे थे जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे। अधिकांश बच्चे इनमें बाहरी जिलों के या बाहरी राज्यों के हैं, जिनसे यहाँ पर लाकर भिक्षावृत्ति कराई जा रही है। जब हरि पर्वत पर एक बच्ची से बातचीत की गई तो बच्ची ने बताया कि मुझे राजस्थान से लाकर यहाँ पर भीख मंगवाई जा रही है। तो ऐसे में ही वहाँ पर सचिव करते हुए एक महिला आई, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। उसने उसको धुतकार के भगा दिया और बोले कि तुम दूसरी जगह पर भीख मांगो, इनसे बात मत करनी है। तो क्या ये रैकेट चल रहा है? जी देखो, कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चे ये भीख मांग रहे हैं और बाहरी जनपदों से राज्यों से आ रहे हैं, तो कोई ना कोई इनमें गैंग है जो इनसे भिक्षावृत्ति करा था। जिस तरह से उस महिला ने एक घटना की थी, उस जो छोटी बच्ची को उसने दूसरी तरफ दे दिया था, अपना बच्चा गोद का उसको दे दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेठी के गौसपुर एंडी गाँव में संदिग्ध परिस्थितियों में गाँव के बाहर खेत में एक युवक का शव मिला है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और अब आगे की जांच में जुट गई है। मामले को लेकर युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जालौन के देवकली गांव में लकड़ी से भरा ट्रक पलट गया। हादसा यमुना नदी के उफान के चलते हुआ। ट्रक पलटने से क्लीनर की दबकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस के बचाव कार्य के प्रयास के बावजूद क्लीनर की जान नहीं बचाई जा सकी। अगली खबर जालौन से है। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में कोटा बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए पानी में विशालकाय मगरमच्छ दिखा। यमुना नदी में मगरमच्छ देखने से लोगों में दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया पर तैरता हुआ मगरमच्छ का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मुरादाबाद के गलशहीद इलाके में टायर कारोबारी के मकान के नीचे बने गोदाम में आग लगने से 5 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिसमें 2 महिला और 3 बच्चे भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। साथ ही फायर ब्रिगेड की 5 टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग में फंसे 7 लोगों को इलाके के लोगों ने सकुशल मकान से बाहर निकाल लिया। बिल्डिंग थी जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग रहते थे, 3 सगे भाई हैं, और उस अग्निकांड के चलते 5 लोगों की अभी तक डेथ हुई है।
और 7 लोग वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं, अब अंदर कोई फंसा नहीं है। और इसके अलावा हम लोगों ने, हमने और SSP साहब ने और हमारे अधिकारी ने वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया। अगली खबर बांदा से है। बांदा में यमुना नदी लोगों पर कहर बनकर टूटी है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रामकेश निषाद पहुंचे। स्थानीय विधायक राज्य मंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों ने मंत्री को अपनी समस्याएं बताई। आपको बता दें कि जसपुरा, पैलानी और चुल्ला क्षेत्र के आधा सैकड़ा गांव बाढ़ से प्रभावित है। लोगों के घरों तक बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने का दावा किया था, लेकिन बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। बाढ़ से किसानों की हजारों बीघे फसल बर्बाद हो गए हैं। ये प्रशासन तो पहले से ही सतर्क था, चूँकि केन नदी के ऊपर मध्य प्रदेश क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बाढ़ और ऐसी स्थितियां बिगड़ी कि अपने जो गंगाऊ और बरियारपुर बांध थे उनसे ऊपर से पानी चलने लगा। इधर अपनी बगल में यमुना नदी है जो चिल्ला से होकर के गुजरती है। इस यमुना नदी में भी बहुत दूरस्थ क्षेत्र का और कई लाख क्यूसेक पानी आने की संभावनाओं के साथ में जिस तरह से यमुना नदी बढ़ रही है और केन नदी और यमुना नदी के द्वाबा में बाढ़ की अनिश्चितता बनी हुई है। बिजनौर के आजमगढ़ टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने जंगल में 2 हाथियों के लिए वाटर हॉल बनवाए हैं। वाटर हॉल न होने से हाथी रिहायशी इलाकों में उत्पात मचाते थे। वन विभाग ने आजमगढ़ टाइगर रिजर्व में 22 वाटर हॉल बनवाए हैं। खबर बाराबंकी की नगर पंचायत जैदपुर से है, जहां बरसात से पहले नगर के सभी नाले और नालियों की सफाई का ठेका साल 2022-23 का कई लाख रुपए में उठाया गया है, मगर सफाई के नाम पर कस्बे में केवल खानापूर्ति ही की गई है, जिसका जीता जागता सबूत आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह जैदपुर के वार्ड मेहदी, कटरा और उसरी की है, जहां पर पास की ही एक नहर कटने से सड़कों और गलियों में जलभराव की स्थिति हो गई, जिस वजह से स्कूली बच्चों और लोगों का रास्ता चलना मुश्किल हो गया। हालांकि नहर में तत्काल बांध बंधवा दिया गया है, मगर सवाल यह है कि जब नाले की सफाई में लाखों खर्च किए गए तब यह स्थिति क्यों है। कस्बे में सफाई की पोल पूरी तरह खुल चुकी है, नाले नालियां पार्टी पर ही है, आखिर सफाई हुई कहां है। अगली खबर एटा के कुंजपुर गांव से है, जहां बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बर्थडे पार्टी में फायरिंग का इस वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। पार्टी में फायरिंग के दौरान मंच पर 2 बार बालाएं भी नाच रही थी। पार्टी दत्तपुर कुंजपुर के प्रधान अनिल यादव के बेटे की बताई जा रही है, जिसमें सैकड़ों लोगों के बीच मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट से पांडाल गूंज उठा। बर्थडे पार्टी में कुछ लोग हाथों में हथियार लिए हुए भी दिखे। वायरल वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।